हेलो दोस्तों, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों आज मैं एक बार फिर से आपके सीटेट 2019 की तैयारी के लिए जो आपके बाल विकास के 120 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं उसका नया पार्ट लाया हूं और ये इसका पार्ट 6 है। इस पार्ट में हम लोग अंतिम 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और सभी पॉइंट बाय पॉइंट मैंने आपका पूरा बाल विकास पेडोगॉजी कम्प्लीट करा दी है इन 6 पार्ट्स में। अगर आपने पिछले पार्ट्स ना देखे हों तो इन पार्ट्स को ज़रूर देखेगा और इसके साथ ही साथ आपके बाल विकास की जो चैप्टर वाइज क्लासेज भी चल रही हैं उसमें 17 चैप्टर कम्प्लीट करवा दिए हैं। सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, लिंक कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर वाले कमेंट में मिल जाएगा, वहां पर जाकर उन सभी क्लासेस को जरूर देख लीजिएगा। अब बात करते हैं आज की इस क्लास की। तो दोस्तों अब आपके एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ 25 दिन शेष बचे हैं। इन 25 दिन में आप 20 दिन लगभग शेष बचे हुए हैं। इन 20 दिन में आपको कैसे तैयारी करनी है इन क्वेश्चंस को देखिएगा। अंतिम 20 दिन के लिए इंपॉर्टेंट हैंड रिटन नोट्स हैं, सभी नोट्स की अच्छे से तैयारी करिएगा। इसके अलावा आपके EVS के भी हैंड रिटन नोट्स चल रहे हैं और NCERT बुक्स पर आधारित साइंस EVS के जूनियर लेवल के जो नोट्स हैं वो भी साथ में हैंड रिटन चल रहे हैं। तो इन सभी क्लासेस को अच्छे से देखिएगा, पूरी अपनी प्रिपरेशन करिएगा और अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं पहले पॉइंट से। 103 नंबर पॉइंट है, इसके पहले के मैंने सभी पॉइंट आपको क्लियर करा दिए थे। अगर आपने पिछले पार्ट्स ना देखे हों तो उन 100 क्वेश्चंस को भी जरूर देखिएगा, अच्छे से तैयारी करिएगा। तो पहला पॉइंट क्या दिया गया, शैशवावस्था में बालक असामाजिक और अनैतिक बोध लेता है। यानी कि दोस्तों शैशवावस्था की उम्र कब से कब तक मानी जाती है? ज़्यादातर जन्म से लेकर के 3 वर्ष की उम्र जो होती है शैशवावस्था के अंतर्गत मानी जाती है। तो इसमें बालक क्या होता है, असामाजिक होता है, यानी कि समाज से जुड़ा हुआ नहीं होता, समाज से दूर होता, पहली चीज़ अनैतिक होता है, कोई उसके अंदर शिष्टाचार या किसी भी प्रकार के कोई गुण नहीं होते, वो सिर्फ जो कुछ अपना मन चाहता है, जो कुछ वो इधर उधर देखता है वो अपने हाथ पैर से क्रियाओं द्वारा करता रहता है और अपने जो उसकी अच्छी क्रियाएं होती हैं आंतरिक रूप से जिन पर निर्भर होता है उनके आधार पर अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, जैसे कि भूख लगने पर रोने लगता है, सोना होता है तब वो रोने लगता है, इस प्रकार की क्रियाएं करता है शैशवावस्था में बालक। और दोस्तों शैशवावस्था में बालक जो होता है वो दूसरों पर निर्भर होता है, यानी कि वो कोई भी कार्य स्वयं के द्वारा नहीं कर सकता है, वो सभी कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर होता है, जैसे माता पिता हो गए, अन्य छोटे बच्चे हो गए करके सभी लोगों पर निर्भर होता है। जब उसे कुछ खाने को दिया जाएगा, जब उसे अपने हाथ से खिलाया जाएगा तभी वो खा पाएगा, जब उसे दूध दिया जाएगा बॉटल से तब वो पी पाएगा। तो ये सभी चीज़ें कब होती हैं, शैशवावस्था में होती हैं, दूसरों पर निर्भर होता है बालक, असामाजिक होता है और अनैतिक होता है। अगला पॉइंट है आपका, बाल्यावस्था में बालकों का समलैंगिक के प्रति आकर्षण होता है, यानी कि समलिंग के प्रति, जो जैसे लड़का है तो लड़के के प्रति आकर्षण होता है और साथ में वो लोग खेलते हैं, साथ में रहते हैं, यानी कि बाल्यावस्था की उम्र जो होती है इसमें एक तो समलिंग के प्रति आकर्षण होता है, दूसरी चीज़ इसमें होती है कि बालक थोड़ा थोड़ा भाषा ज्ञान उसे हो जाता है, यानी कि जब उसे कोई चीज़ कही जाती तो वो लिख सकता है, अपने वाक्यों को बोल सकता है और उसका शब्दकोश भी बढ़ने लगता है। ये होता है बाल्यावस्था में। कहीं कहीं आपको अलग अलग सी उम्र दी रहती है, कहीं आपको 6 से 12 मिलेगी, कहीं 3 से 6 पूर्व बाल्यावस्था, 6 से 9 मध्य बाल्यावस्था और 9 से 12 उत्तर बाल्यावस्था, इस प्रकार से अलग अलग रूपों में दी रहती है। तो बाल्यावस्था में कैसे समलैंगिक यानी कि समान लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ता है और उन्हीं के साथ रहना पसंद करता है बालक, आपने देखा भी होगा इस तरह की क्रियाएँ होती हैं और उन्हीं के साथ अपना जीवन यापन करता है। अगला पॉइंट है, किशोरावस्था में बालक जो होता है वो विषम लिंग के प्रति आकर्षित होता है, यानी कि किशोरावस्था की उम्र में बालक जो होता है, जिससे इसकी उम्र कहीं कहीं आपको 9 से 12 मिलेगी, कहीं कहीं आपको मिलेगी 6 से 12, 6 नहीं लगभग 8, 9 से 12 ही मिलती है, या फिर कहीं कहीं मिलती है 12 से 18। तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के हैं, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है क्योंकि ये इस तरह के क्वेश्चन UP TET में ज़्यादा आते हैं, CTET में नहीं पूछा जाता है। आपको ये याद रखना कि किसके अंतर्गत कौन सी विशेषता होती है, ये मुख्य रूप से आना चाहिए आपको। तो किशोरावस्था में जब बालक होता है तो क्या
होता है उसमें विषम लिंग के प्रति, यानी कि लड़का है तो लड़की के प्रति आकर्षित होता है, लड़की है तो लड़के के प्रति आकर्षित होते हैं, विषम लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ता है। दूसरी चीज़, उनमें अंदर से जो हार्मोन्स हैं वो बढ़ने लगते हैं, वो एग्रेसिव होने लगते हैं और उत्सुक रहने लगते हैं। ये सभी चीज़ें कब होती हैं? किशोरावस्था में होती हैं, याद रखिए आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं सभी। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं तो अगला पॉइंट है, किशोरावस्था में आपराधिकता प्रवृत्ति अपनी पराकाष्ठा पर होती है, यानी कि आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ने लगती है। कब? किशोरावस्था में। कैसी? आपराधिक प्रवृत्ति जो होती है वो बढ़ने लगती है, और बालक सही गलत का बोध ना करते हुए भी जो कार्य वो करना चाहता है, चाहे वो गलत हो या सही हो, ऐसे कार्य को करने लगता है और वो एग्रेसिव होने लगता है, यानी कि लड़ने के लिए उत्सुक रहता है, झगड़ने के लिए उत्सुक रहता है, और कुछ भी करने से पहले कुछ सोचता नहीं है। नशीली वस्तुओं का सेवन आदि बढ़ जाता है, तो नशीली वस्तुएं हो गई, इन चीज़ों का सेवन कैसे बढ़ जाता है? जब बालक अपने समान वयस्कों के रूप ग्रुप में रहता है तो धीरे धीरे वो इन चीज वो यह समझता है कि ये चीज़ें हमें ऊपर ले जाती हैं, यानी कि वो इन चीज़ों में अपना अपने आप को सुपर समझने लगता है, तो इन नशीली वस्तुओं का सेवन करना प्रारंभ कर देता है, आपराधिकता प्रवृत्ति बढ़ने लगती है। हालांकि सभी के लिए नहीं होता, सिर्फ एक आपको बात बताई जा रही है। अगला, बाल्यावस्था में विद्यालय अंतःक्रिया सर्वाधिक होती है, यानी कि बाल्यावस्था में बालक की विद्यालयी अंतःक्रिया जो होती है, विद्यालय संबंधी क्रियाएं, विद्यालय से में पढ़ाई, विद्यालय में मतलब उसका लगाव रहता है। याद रखिए आप लोग, विद्यालय की अंतःक्रियाएं जो होती हैं वो सबसे अधिक कब होती हैं? बाल्यावस्था में होती हैं, क्योंकि ये उम्र होती है जिसमें बालक प्राइमरी लेवल में पढ़ता है, और दूसरी चीज़, विद्यालय में अपने साथ के अन्य दोस्तों के साथ मिलकर रहता है, और तो इस वजह से विद्यालय अंतःक्रियाएं सबसे अधिक होती हैं। अगला, जन्म से 6 वर्ष की आयु बचपन की आयु कहलाती है, तो जन्म से 6 वर्ष की आयु को क्या कहते हैं? जो बचपन की आयु होती है उसे क्या कहते हैं? 6 वर्ष तक की आयु जो होती है इसी को बचपन की आयु कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए आप लोग, अलग तरीके का क्वेश्चन है। वैसे यूपी टेट में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फिर भी आप लोग छोटा सा पॉइंट है, याद कर सकते हैं। अगला 110 नंबर पॉइंट दिया गया, भ्रूण अवस्था में बालक की शारीरिक वृद्धि शुरू हो जाती है, यानी कि भ्रूण अवस्था में जब बालक अपनी माँ के पेट में होता है तभी से उसकी शारीरिक वृद्धि प्रारंभ हो जाती है, और थोड़ा थोड़ा उसमें विकास प्रारंभ हो जाता है, धीरे धीरे उसके शरीर का आकार बढ़ने लगता है। ये कब होता है? भ्रूणावस्था में, ये तभी से बालक का शारीरिक वृद्धि जो होती है वो शुरू हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। अगला पॉइंट है, बालक का मानसिक विकास गर्भावस्था पूर्व से ही शुरू हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, बालक का जो मानसिक विकास होता है, जो उसकी बुद्धि का विकास होता है, वो गर्भावस्था के प्रारंभ से ही शुरू हो जाता है। तो यानी कि जैसे ऊपर बताया आपको, भ्रूणावस्था से बालक का शारीरिक वृद्धि प्रारंभ हो जाती है, ठीक वैसे ही गर्भावस्था पूर्व, यानी कि गर्भावस्था में जब बालक होता है तभी से उसकी मानसिक विकास भी बढ़ने लगता है। आपने एक महाभारत की कहानी सुनी थी जिसमें कि अभिमन्यु गर्भ में रहकर सब चक्रव्यूह में जाना सीख गए थे, तो ये क्या था दोस्तों? यदि उनका मानसिक विकास ना हुआ होता तो वो कैसे संभव था? हालांकि ये पौराणिक कथाएं, लेकिन कुछ ना कुछ इनका अस्तित्व तो होता ही है, ऐसा नहीं है कि गलत नहीं होती हैं। तो यानी कि दोस्तों, मानसिक विकास और शारीरिक विकास ये सभी बालक जब भ्रूण अवस्था में होता है, जब गर्भ में होता है, तभी से प्रारंभ हो जाती हैं, और ये धीरे धीरे जैसे जैसे बालक का विकास होता है, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे उसका शारीरिक वृद्धि हो गई, मानसिक विकास हो गया, ये सभी भी उतनी ही तीव्रता से बढ़ने लगते हैं। यानी कि इनका जैसे बालक की उम्र बढ़ती है उसी हिसाब से इनमें भी परिवर्तन आने लगता है, इनका भी विकास होने लगता है। दोस्तों, एक एक पॉइंट को अच्छे से देखते रहिए और पिछले पार्ट्स को ज़रूर देख लीजिएगा। ये आज अंतिम क्लास है हम लोगों की, जो हैंड रिटन नोट्स हैं बाल विकास के उसकी, इसके बाद आपके कुछ अंतिम जो 20 दिन बचे हैं इसके लिए कुछ प्रैक्टिस सेट तैयार करते हैं हम लोग, उनको सॉल्व करेंगे। लेकिन आपको क्या करना है? आपको पहले तो वीडियो को शेयर करना है अधिक से अधिक, और लाइक करना है, और साथ ही साथ बताइएगा अगर आप कोई अन्य चीज़ पढ़ना चाहते हैं, कोई अन्य टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके अधिक से अधिक सभी चैप्टर, सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो वो कवर हो जाएं। कल शाम को मैंने आपको हिंदी पेडागोजी की क्लास दी थी, आज शाम को कोशिश करते हैं कि सामाजिक अध्ययन की या फिर साइंस की एक क्लास दे देंगे, जिसमें इम्पॉर्टेंट नोट्स को, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे हम लोग। एक एक चीज़ को आप लोग अच्छे से देखते रहिए, पूरी तैयारी करते रहिए, और अगर कोई भी डाउट हो, कोई सजेशन देना हो, कुछ भी इस प्रकार की बात हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर अधिक से अधिक संख्या में बताइए।
तो अब 112 नंबर पॉइंट दिया गया, बुद्धि का तीव्र विकास शैशवावस्था, पूर्ण बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष में होता है। यानी कि जो बुद्धि का तीव्र विकास होता है, एक तो शैशवावस्था में होता है, फिर उसका पूर्व जो पूर्ण विकास होता है, यानी कि बुद्धि का तीव्र विकास शैशवावस्था में होता है, और जो बालक का पूर्ण विकास होने लगता है वो 7 से 12 वर्ष की उम्र में होने लगता है और लगभग हो जाता है। लेकिन बालक की जो बुद्धि होती है उसका विकास कब पूर्ण हो जाता है, इसका वृद्धि होती है, और जो उसकी मस्तिष्क की क्षमता होती है वो कितनी उम्र में पूरी होती है, ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। इसका आंसर आज आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है कि बालक का जो मस्तिष्क है वो कितनी उम्र तक उसमें वृद्धि होती रहती, मानसिक अवस्था में कब तक वृद्धि होती रहती है, इसका आंसर अधिक से अधिक संख्या में कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। आपको गलत आता हो गलत ही आंसर दीजिएगा, लेकिन दोस्तों कमेंट जरूर कर दिया करिए। बताइए 3000-4000 लोग देख लेते हैं और कमेंट सिर्फ और सिर्फ 30-40 आते हैं, तो दोस्तों अधिक से अधिक कमेंट जरूर करते रहिएगा ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि आपको कितना समझ में आ रहा है। मैं जैसे आपको मोटिवेट करता हूँ, आप कमेंट करके आप फीडबैक ही दे दिया करिए कि कैसे क्वेश्चंस हैं, आपको कैसे आगे क्वेश्चन चाहिए, ये सभी चीज़ें ज़रूर बताया करिए। इससे आपस में इंटरेक्शन बना रहता है, मैं आपके कमेंट्स देख लेता हूँ, हालांकि सबके आंसर नहीं दे पाता हूँ लेकिन मैं सभी के कमेंट्स ज़रूर देख लेता हूँ, और काफ़ी लोग हैं जो हर वीडियो में कमेंट करते हैं, नेक्स्ट क्लास में उनके नाम भी मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों इसी तरह से अपने कमेंट्स भी करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, जो लोग भी कमेंट वगैरह करते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब अगला 113 नंबर पॉइंट है, शैशवावस्था में बालकों में अंतर्मुखी प्रवृत्ति सर्वाधिक होती है। यानी कि अंतर्मुखी का मतलब कैसा होता है, वह आपस में ही अपने आप से ही जुड़े रहते हैं ज़्यादातर, और उनकी प्रवृत्ति जो होती है अंतः क्रिया पर आधारित होती है और स्वयं पर आधारित होते हैं, वह सिर्फ स्वहित के बारे में, अपने हित के बारे में सोचते हैं। तो शैशवावस्था में क्या हो गया, बालकों में अंतर्मुखी प्रवृत्ति सर्वाधिक होती, याद हो गया आपको। अगला पॉइंट है बाल्यावस्था में बालक बहिर्मुखी हो जाता है। तो दोस्तों शैशवावस्था में अंतर्मुखी था, लेकिन जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ी और वो बाल्यावस्था में आया, तो बाल्यावस्था में वो कैसा हो गया, बहिर्मुखी हो गया, यानी कि लोगों से मिलने लगा, अपने विचार व्यक्त करने लगा, यही तो हो गया बहिर्मुखी, यानी कि जो अपने विचारों को दूसरों के सामने व्यक्त करे, जो अपनी बात को, जो उसके मन में बात हो उसको दूसरों के सामने व्यक्त करे, उसी को तो बहिर्मुखी कहेंगे। और अंतर्मुखी जो अपनी सभी बातों को अपने मन में ही रखता है उसे कहते हैं। तो दोनों चीज़ें समझ लीजिए, बाल्यावस्था में बहिर्मुखी और शैशवावस्था में अंतर्मुखी होता है। तो देखिए अब अगला पॉइंट दिया गया, किसी सूचना के विश्लेषण या समस्या समाधान का प्रथम सोपान क्या होता है, कि समस्या को पहचानना। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है, अभी पिछली बार भी पूछा गया था कि किसी सूचना के विश्लेषण या समस्या समाधान का पहला सोपान, जो प्रथम सोपान होता है वो क्या होता है, कि समस्या की पहचान, समस्या को पहचानना कि आखिर समस्या है का क्या समस्या है। तो क्या आपको पता लगा इससे कि किसी सूचना के विश्लेषण या समस्या को जब समाधान करेंगे, हम कोई भी कार्य करते हैं, मान लीजिए हमारे अंक कम आए हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अंक क्यों कम आए हैं, तो यानी कि समस्या क्या है, अंक कम आए हैं और अंक क्यों कम आए हैं, इसको पहचानना, इसकी पहचान करना है। तो सबसे पहले समस्या को पहचाना जाता है। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट है कठिन कार्यों के विश्लेषण में एवं समस्या समाधान में समस्या को छोटे छोटे भागों में बांट लिया जाता है। यानी कि कठिन कार्यों का जो विश्लेषण किया जाता है उसका समस्या समाधान को जब किया जाता है तो पूरी समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है, तभी बालक बच्चे जो हैं वो आसानी से उस कार्य को कर सकते हैं। तो आप लोग समझिए, छोटे छोटे भागों में समस्या को बांट लेते हैं हम लोग, तभी कठिन कार्य का विश्लेषण एनालिसिस किया जाता है और समस्या का समाधान किया जा सकता है। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे, 117 नंबर पॉइंट क्या दिया गया, शिक्षार्थी विभिन्न तरीकों से सीखते हैं। बिल्कुल सही बात है, व्यक्तिगत विभिन्नता यही तो होती है कि प्रत्येक बालक जो होता है उसकी अलग अलग सीखने का तरीका होता है, अलग अलग बुद्धि का प्रकार होता है। तो वो कोई खेल कर सीखता है उसी चीज़ को, कोई दूसरे तरीके से सीखता है, ये उस बालक पर निर्भर करता है, उसकी मानसिक क्षमता पर निर्भर करता है और उसकी व्यक्तिगत विभिन्नता पर संबंधित होता है। यानी कि बालक अलग अलग तरीकों से सीखते हैं, हम किस तरीके से बालक को सिखाते हैं और उसे कैसे समझ में आता है, ये शिक्षक पर निर्भर करता है कि वो बालक को उसकी बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत किस शिक्षण विधि से सिखा रहा है और बालक को उससे मदद मिल रही है या नहीं मिल रही है। ये सब चीज़ें शिक्षक पर निर्भर करती हैं, क्योंकि शिक्षार्थी जो होते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण, इंडिविजुअल जो डिफरेंस होता है इसके कारण अलग अलग तरीकों से सीखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा।
अब दोस्तों 3 पॉइंट और बचे हैं, इनको देख लीजिए फिर। ये आपकी जो क्लास चल रही है ये इसका भाग 6 पार्ट 6 था, 6 पार्ट जरूर देखिएगा। अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर पिछले पार्ट्स को ज़रूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मौखिक कौशल में लिखवाना लिखना बोलना महत्वपूर्ण होता है, यानी कि मौखिक कौशल जो होता है उसके अंतर्गत लिखवाना लिखना और बोलना, ये तीनों चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, इनके द्वारा ही मौखिक कौशल में बालक का विकास संभव है। अगला, सस्वर पठन का उद्देश्य बालकों में झिझक समाप्त करना है। बिल्कुल सही बात है, सस्वर पठन क्यों कराया जाता है? सस्वर पठन का मतलब होता है कि बोलकर पढ़ना, बोलकर पढ़ना सिखाना, बोलकर स्वर सहित बोलना। तो दोस्तों सस्वर पठन का उद्देश्य क्या हो गया, बालकों में झिझक को ख़त्म करना, जो उनके अंदर हेजिटेशन रहता है, झिझक होती है कि कहीं बोल ना पाना, छुपे छुपे रहना, इस झिझक को ख़त्म करना एकमात्र उद्देश्य होता है। और साथ ही साथ उनकी जो व्यक्तिगत कौशल क्षमताएं हैं, मौखिक पठन कौशल है, उसका विकास करना। अब दोस्तों अंतिम क्वेश्चन है, इसके बाद आपको बताना ये 120 क्वेश्चन आपको कैसे लगे। ये सभी हैंड रिटन नोट्स मैंने स्वयं से तैयार कराए हुए हैं, इन सभी नोट्स को अच्छे से देखिएगा। और यदि आपको इनकी PDF फाइल चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं, उसके लिए आपको कुछ चार्ज देना पड़ेगा। तो वो चार्ज दोस्तों, क्योंकि PDF फाइल जो होती है मुझे इतना टाइम नहीं मिलता, तैयार करवानी पड़ती है नोट्स ढूंढ ढूंढ कर, तो दोस्तों तैयार करवाने का भी चार्ज लगता है, जिसकी वजह से मुझे भी आपसे कुछ चार्ज लेना पड़ेगा। तो दोस्तों यदि आपको चाहिए हो तो ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों अब आपका अंतिम क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षा के लिए बाल साहित्य महत्वपूर्ण संसाधन है, प्राथमिक क्लास के लिए क्या बाल साहित्य? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार भी क्वेश्चन आया था, इसके पहले भी हर बार इस पर एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो प्राथमिक स्तर की जब भी बात होगी तो बाल साहित्य बालकों को उत्साहित करता है, पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है, और बालक की जो क्लास होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए, वो इस प्रकार की होनी चाहिए कि बालक को बाल साहित्य रखे हुए हों, उनकी खेलने की चीज़ें रखी हुई हैं, ताकि उनका क्लास में मन लगा रहे और सभी चीज़ें वो अपने अनुसार सीखते रहें। समझ में आ गया आपको अच्छे से? क्या होता है, बाल साहित्य के अंतर्गत आता है ये, प्राइमरी के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों जल्दी से बताइए कि आपको EBS के भी जैसे ही पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे, सभी के हैंड रिटन नोट्स की जो PDF फाइल है वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। इसके लिए ज़्यादा कोई चार्ज नहीं होगा, थोड़ा सा चार्ज होगा, और उसके भी दो तरीके हैं। तो आप अनअकैडमी का यदि प्लस कोर्स लेते हैं, लेकिन वो 900 रुपये का पड़ेगा मेरे रेफरल कोड से। यदि आप वो कोर्स लेते हैं तो आपको फ्री में दिए जाएंगे सभी नोट्स, पिछले कोर्स से पिछले जो नोट्स हैं वो भी, और ये हैंड रिटन नोट्स भी। लेकिन यदि इसके अलावा आप मुझसे सिर्फ नोट्स ही चाहते हैं, ये कोर्स नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो भी ऑफ़र है आपके पास, उस तरीके से भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको थोड़ी फ़ीस देनी पड़ेगी जो नोट्स बनवाने तैयार करने में लगी हुई है, बाकी आपको कोई चार्जेस नहीं देने हैं। इसकी PDF फाइल आपके WhatsApp नंबर पर सेंड कर दी जाएगी, वहीं पर आपको सभी अपडेट्स देते रहेंगे। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि मैं आपको आगे की प्रोसीजर के बारे में भी बता सकूं। तो दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ, शाम को मिलेंगे सामाजिक अध्ययन के क्वेश्चंस के साथ। आज की क्लास में इतना ही दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक कर दें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू दोस्तों।